नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं मनी पंप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप्स के तरफ से आने वाले आईपीओस की। हमें काफी लंबी कतार देखने को मिल रहा है टाटा ग्रुप के तरफ से आईपीओस का। बहुत ही सारी आईपीओस है जो अब लगातार हमें अब लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका टाटा ग्रुप के तरफ से काफी ज्यादा हमें मेगा प्लान हमें होता हुआ मालूम चल रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ चुकी है, क्योंकि हम अभी कुछ दिन पहले ही जानते हैं कि जब TCS जब आया था इसके पहले, उसके 20 साल बाद टाटा टेक्नोलॉजी हमें आता हुआ देखने को मिला काफी लंबी इंतजार के बाद, क्योंकि उस समय हमें इतना देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे हमें टाटा ग्रुप के तरफ से काफी ज्यादा आईपीओस की आने की संभावना बन रही है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों टाटा स्काई के बारे में, क्योंकि अभी अब रिसेंटली मैं बता दूं टाटा स्काई को सेबी में रजिस्टर कर दिया गया है, वहां उन्होंने फाइल भी डाल दी है। अब बहुत ही जल्द हमें टाटा स्काई का हमें आईपीओ भी अब देखने को मिल सकता है। वो कब आएगा ये तो अभी तक डेट नहीं अनाउंसमेंट है, लेकिन हमें जल्द ही टाटा स्काई का देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 8 आने वाले आईपीओ के बारे में बात करेंगे टाटा स्काई को छोड़कर, कि कौन कौन अब हमें नया आईपीओ देखने को मिल सकता टाटा ग्रुप की तरफ से। क्योंकि जो इस बार के जो इनका हमें देखने को मिल रहा है सीईओ जो एन चंद्रशेखरन जो है, इनके तरफ से काफी ज्यादा हमें एक्शन होता हुआ देखने को मिला है टाटा ग्रुप में। यही कारण है जो लगातार बैक टू बैक हमें इनके तरफ से आएगा इनका जो भी इनका मेगा प्लान चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी NBFC कंपनी, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी टाटा कैपिटल। हम जानते हैं, अगर आप लोग अभी नहीं जानते हैं तो ये भी जान लीजिए, इनकी खुद की एक टाटा कैपिटल का है जो कि NBFC में फाइनेंशियल सेक्टर में वर्क करती है और पूरे इंडिया में इनका काम चलता है। लेकिन अभी तक इनका आईपीओ नहीं आया है, लेकिन अब बहुत ही जल्द हमें टाटा आईपीओ कैपिटल का भी आईपीओ अब देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जल्दी एक्शन में अब टाटा आ चुकी है अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि टाटा की तरफ से कोई आईपीओ हमें देखने को नहीं मिलता है, वो काफी इंतजार करवाती हैं 20 साल के बाद जब हमें टाटा टेक्नोलॉजी देखने को मिला है, और किंग अच्छा खासा लिस्टिंग हमें होता हुआ देखने को मिला है, काफी इंप्रेसिव था और वो सक्सेस हो भी हो गया टाटा टेक्नोलॉजी का। अब इसके जो 8 जो हमें देखने वाले हैं, टाटा कैपिटल तो हमने बता दिया आपकी पहली जो सबसे मोस्ट अच्छी कंपनी जो NBFC फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम बात करें तो ये कम्पीट कर सकती है हमारे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बजाज फाइनेंस के साथ। तो ये हमारी पहली कंपनी थी जो कि आने का चांसेस है आईपीओ का। दूसरी जो बड़ी कंपनी देखने को मिल रहा है वो है टाटा ऑटो कैम्प सिस्टम, ये भी एक दूसरी टाटा की सब्सिडरी कंपनी है, ये भी इनका भी कारोबार चलता है, सारे जो ऑटो पार्ट्स होते हैं ना वो बहुत जगह इनका मिलता है, लेकिन वो इतना भी फेमस नहीं हुआ क्योंकि बहुत लोगों को इनका कोई, क्योंकि हमें शेयर देखने को नहीं मिलता है इसलिए इस चीज के बारे में किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन बहुत ही जल्द टाटा के नाम से अब ऑटो कैम सिस्टम करके आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। थर्ड वन है हमारा टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अभी हमने कुछ दिन पहले ही सुना था कि टाटा मोटर्स का डिमर्जर होने वाला है 2 बड़े बड़े सेक्टरों में, तो उसी में से एक और हमें डिविजन देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक अलग ही हमें एक टाटा मोटर्स की तरफ से जो अलग होगा एक टाटा इलेक्ट्रिकल के लिए वो अलग होगा, और इसका भी आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये 3 जो बड़ी हमें देखने को मिली काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटल है ना दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट कैपिटल है वो है टाटा कैपिटल का। और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक की बात करें तो काफी ज्यादा डिमांडेड में भी हमें देखने को मिला, क्योंकि इनकी जो गाड़ियां होती है काफी ज्यादा मजबूत भी होती है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी है, तो इनका भी अब नेक्स्ट जो हमें आने वाला है। एक है बिग बास्केट करके, आप लोग सुने होंगे कि बिग बास्केट करके ऑनलाइन ई कॉमर्स में हमें देखने को मिलता है, ये भी फूड डिलीवर करती है, ये भी आपको जिस टाइप का भी सामान चाहिए, चाहे ग्रोसरी हुआ, चावल हुआ, गेहूं, जो भी चाहिए ये आपको देगी। हाँ, ये बात है कि ये स्विगी और आपको जोमेटो जैसा 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट के अंदर नहीं देगी, 5 आवर 6 आवर के बाद ही देगी, लेकिन इनका भी डिमांड काफी हाई है। ये भी एक टाटा की कंपनी है बिग बास्केट करके। तो ये हमने आपकी 4 कंपनियों के नाम लिए, और ये जो 4 कंपनियां काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, और इन 4ों का भी आईपीओ अब जल्दी आने वाला है। और हम अगला जो बात करने वाले हैं वो है टाटा डिजिटल। टाटा डिजिटल करके भी एक इनका टाटा आईपीओ आने की चांसेस बन रही है। एक है हमारा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में टाटा वर्क करती है। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों को ये लग रहा हो कि इतनी सारी आईपीओ कैसे आ सकता है। देखिए,
टाटा ग्रुप आज से नहीं है, बहुत पहले से ये भी एक रिलायंस के जैसा ही एक बहुत बड़ी शेयर भी है, क्योंकि रिलायंस ने अपना बहुत ही जल्द अपने सारे शेयरों को लिस्ट कर चुका है, लेकिन टाटा ग्रुप अभी तक लिस्ट नहीं की और इनका कारोबार बहुत बड़े हमें सेक्टरों में देखने को मिला, सारे सेक्टरों में इनका हाथ है और उसमें से भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक का भी है जो कि इनके तरफ से हमें देखने को मिलता है। ये भी एक बहुत अपने आप में बड़ी कंपनी है। अगला जो हम बात करने वाले हैं टाटा हाउसिंग की, जो कि हमें एक रियल एस्टेट में भी देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, इनका भी हिस्सा है रियल एस्टेट में, काफी ज्यादा टाटा हाउसिंग का हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आईपीओ है जो आने के चांसेस हो रहे हैं। हमें लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा टाटा हाउसिंग को भी आने में, क्योंकि इसके भी हवाले से सुनने को मिला है कि टाटा हाउसिंग का भी शेयर हमें विद इन वन ईयर के अंदर हमें आने के चांसेस है। और जो हमारा लास्ट है टाटा ऑटो कैम्प, इसके बारे में हमने आपको बात कर ली। तो टोटल हमारे 8 शेयर हैं जो टाटा के आईपीओ आने के चांसेस है। अब बात ये उठता है कि लिस्टिंग होगा कब होगा। देखिए अभी इसका कोई भी डेट नहीं आया, लेकिन जिस तरह से अब टाटा ग्रुप अपना एक्शन में होते हुए देखने को मिला, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने टाटा टेक्नोलॉजी का भी देखा, अच्छे खासी लिस्टिंग हुई, सारे इन्वेस्टर को काफी मुनाफा देके दे चले गए। तो इसी तरह अब जो भी हमें लिस्ट आता हुआ देखने को मिलेगा, आप इस सारे पे आप नजर रख सकते हैं और आईपीओ के ऊपर ध्यान जरूर दें, क्योंकि दोस्तों सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है टाटा पे काफी ज्यादा है। तो आज के दोस्तों में इतना ही रखते हैं हमारे चैनल मनी पंप में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।